खोलेगा गोपाल फाड़ आएगा गोपाल फाड़ देखिए गोपाल फाड़ ये है गोपाल फाड़। महाराज सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? आपकी दी हुई हीरे की अंगूठी मिल नहीं रही है महाराज। क्या तुमने मेरा दिया हुआ उपहार खो दिया? इसके लिए कठिन से कठिन सजा मिलेगी। महाराज जो मैं गलती की हूँ उस गलती की सजा अब जो देंगे मैं सर झुका के लूंगी महाराज। तो ठीक है इसी क्षण तुम मेरा राजमहल त्याग कर चली जाओ। महाराज यही मेरा आदेश है, आज रात में ही तुम राजमहल छोड़कर चली जाना। रानी माँ रोने से कोई फायदा नहीं, अब क्यों नहीं गोपाल को बुलाती हैं? उनसे बोलकर देखिए वो हो सके तो इस समस्या का कोई समाधान ढूंढे। हाँ बात तो तू ठीक बोल रही है, तो फिर जा जल्दी से गोपाल को बुला के ला। अभी जा रही हूँ रानी माँ। बहुत दुख की बात है रानी माँ। ठीक है मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। नहीं गोपाल एकदम नहीं, तुम जितनी भी विनती कर लो गोपाल आज मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। रानी को जो मैं सजा दिया हूँ वो सजा बरकरार रहेगी। हाँ रानी जाते समय उसका जो प्रिय होगा वो ले जा सकती है, यह बात रानी को बता देना। ठीक है महाराज। रानी माँ आप समझ गई है ना आपको क्या करना होगा? हाँ गोपाल। ठीक है ठीक है। तो रानी माँ अब आप इधर संभालिए और मैं उधर जाकर संभालता हूँ। ठीक है गोपाल। महाराज आपकी सजा के आदेश पे मैं महल छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सुने तो। ठीक है तो बताओ क्या है तुम्हारा अनुरोध? महाराज मैं जाने से पहले आपके लिए शरबत बनाई हूँ, अगर आप पी ले तो। ठीक है तो दो तुम्हारा शरबत। रानी माँ पालकी तैयार है अब आप आइए। और महाराज अरे आओ तुम लोग। अब उठाओ महाराज को। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो मेरा राजमहल नहीं है। ये क्या रानी तुम अब तक यहीं हो? महाराज मैं आपका राज्य त्याग कर आ गई हूँ, ये मेरा मैका है। यहाँ मैं कैसे आया? महाराज पिछले दिन आप ही ने तो कहा था कि मुझे जो प्रिय होगा मैं लेके जा सकती हूँ, तो एक पत्नी के लिए पति ही तो प्रिय होता है निकट होता है इसीलिए। सच बताओ तो यह बुद्धि किसकी है? जी महाराज
मेरा है। सचमुच गोपाल, तुम्हारा बुद्धि का मैं कैसे तारीफ करूं? महाराज, अब आप रानी माँ को क्षमा कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर रानी, मैं तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। गोपाल, उच्च बुद्धि के लिए यह लो तुम अपना इनाम। माँ जल्दी से खाना दो, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ दे रही हूँ, ले खाना खा ले। अहना सरल सीधा स्वभाव की एक ग्रामीण लड़की है। लिखने पढ़ने में गांव बहु लोगों की तरह ही अहना अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने गई थी। आज उसका ऐसा ही हुआ। उफ, आज भी देर हो गई स्कूल आने में। ओह जाने दो, नहीं जाऊंगी पढ़ने, जा रही हूँ बगीचे में घूमूंगी और समय बिता के शाम को घर जाऊंगी। अरे शर्मा जी के आम के पेड़ पे कितने सारे आम हुए हैं, पके भी हैं। जाती हूँ, जाके एक दो तोड़ती हूँ। अरे पेड़ की डाल पर कौन बा रे, उतर जो बोला तानी। अरे माली ने देख लिया। अरे उतरे के बोला तानी। हाँ हाँ उतर रही हूँ। चोर कहीं के, तू पूरा दोपहर में आके दूसरा के पेड़ से आम तोड़ा था रे। उतर। फिर यदि तो के बगान में देख ली तो मार के तोरा हाथ पांव तोड़ डाला, सुन ले। रुक माली, मुझे मौका मिलेगा ना तो इसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इधर उसी दिन रात के समय अहना के घर के सामने मैदान में रामलीला थी। मैं काल रूपी मृत्यु हूँ, यमराज मेरा नाम है। इस भयंकर काल दंड से मैं रावण का वध करूंगा। सभी मन लगा के रामलीला देख रहे हैं। यही सही मौका है, जाके शर्मा जी के बगीचे में आम तोड़कर सारा नुकसान करके उस माली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। गुस्से में तो मैं आ गई, लेकिन इस अंधेरे में शर्मा जी के बगीचे में जाने से तो डर लग रहा है। है लड़की, कहाँ जा रही हो? लगता है यादव के बगीचे में माली को सजा देने जा रही हो। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? माली जब तुम्हें डांट रहा था तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सुनी, माली के ऊपर मुझे भी बहुत क्रोध है। चलो हम तुम दोनों मिलकर उसे सजा दें, आओ मेरे साथ। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? चाचा जी, ओ चाचा जी सुन रहे हैं? ऐ लड़की मिल गई जो तू, हम लोगों के साथ आनंद से नाच करो तक दिन दिन। माँ ये तो भूत लोग हैं, अब क्या करूँगी।
अब खाऊंगा अब खाऊंगा हर मन से अब खाऊंगा चबा चबा छोटी लड़की आओ मेरे मुंह में चबा चबा कर खाएंगे चबा चबा कर खाऊंगा। अरे छोटी लड़की मैं तुमको कैसे खाऊं, मुझे भी मुलायम मांस खाने का मौका मिला है, खाऊंगा खाऊंगा मैं भी खाऊंगा भाग मैं पाऊंगा। इन भूतों से कैसे भी करके बचना होगा। मैं भी खाऊंगी हड्डी पसली तोड़ तोड़ के खाऊंगी, तुम्हारे हड्डियों का रॉकेट बना के उड़ के चली जाऊंगी। अरे ये कौन है रे? तुम मनुष्य हो ना और कोई हो? अरे बाप रे बाप, जो जहाँ पे है सो जल्दी भागो, ये मामूली लड़की नहीं है। नहीं अब मैं यहाँ से भागती हूँ। उसके बाद से ही अहना यादव जी के बगीचे में और किसी दूसरे रात नहीं गई। अरे गब्बू, मैंने तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो ना क्लब में कैरम बोर्ड खेलने। तुम्हारे क्लब में? वो कहाँ है क्लब? चलो ना देख पाओगे। चलो तब। ये देखो यही तो मेरा क्लब है। ये क्लब तुम्हारा है? मेरा तो ये मन कह रहा है कि ये बहुत पुराना घर है। क्या है पुराना है तो? लेकिन क्लब घर है तो। चलो कैरम खेलते हैं। चलो। रुको पहले ताला खोलें। अरे ये क्या, घर में से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुन रहे हो? हाँ, कोई चोर डाकू नहीं ना घुसा है? अरे वो दिख लगता है कोई सोया हुआ है और उसका लंबा लंबा दांत दिख रहा है। मेरा मन कह रहा है लगता है कि कोई वो भूत है, कंकाल की तरह शरीर है। अरे हाँ, रम 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 रम। अरे भाग 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 भाग, भूत है जल्दी भाग 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 जल्दी भाग, भूत है भूत। अरे गब्बू, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हो? डर के मारे। कैसा डर? मेरे क्लब घर में एक बहुत बड़ा भूत सोया हुआ है, भूत। चलो चलो चल के देखते हैं। वो देखो, अरे रुक जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें देखो कैसे मजा चिखाता हूँ। तुम सब कौन हुआ? मैं अच्छा खासा सो रहा था, लाइट जला के मेरा नींद खराब कर दी। अरे भूत बाबा, तुम यहाँ सोए हो, ये क्या तुम्हारे सोने का जगह है क्या? तेरा हिम्मत तो बहुत है, मेरा कच्चा नींद तोड़ दिया। हाँ? अरे चुप चुप, तुम यहाँ से जाओगे या कि मैं दूसरे रास्ते से तुमको भेज दूँ यहाँ से? बड़ा बड़ा तंत्रिक मुझको देखकर भागते हैं और तू हमें धमकी दिखाता है। रुक जा, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। अरे सब सत्यानाश हो गया, पता नहीं आज तब को क्या होगा। आज मैं अपना हाथों से तेरा गर्दन मरोड़ कर खून पी जाऊं। ओम टर छुक छुक, हाथ गल जा टर छुक छुक। अपना गला हुआ हाथ से मेरा गर्दन कैसे मरोड़ोगे, खून कैसे पियोगे? अरे ये क्या हो गया, मेरा हाथ गलते जा रहा है, ये क्या? तुम मुझे डराए हो, ये उसी का सजा है। अब रहो तुम ऐसे ही, ऐसे रहो।
मेरा हाथ ठीक कर दो, मेरा मैं जीवन में किसको डर नहीं दिखाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, कभी इधर कदम नहीं रखूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरे को ठीक कर दो। ये लो, अब पहले तुम हाथ ठीक कर दो। ओम छुक छुक छुक, पहले जैसे हाथ ठीक हो जाए छुक छुक। अब लो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, घर छोड़ दो। मैं अभी भगता हूँ। अरे वाह, टापू के जादू विद्या से हम और हम लोग का क्लब भूतों के हाथ से बच गया है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। लूसी, पूसी, खाना खा लो, आओ, लो, खा लो। अरे, पूसी का मछली देखकर तो बड़ा बड़ा लग रहा है। ये क्या? तेरी मछली मेरी मछली से बड़ा था। तो क्या हुआ? तो छोटा है ना, बड़ा मछली खाएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं बड़ा वाला ले लिया हूँ और बदले में तुझे छोटा मछली दे दिया। वो देखो, तुम्हारे लिए आंटी चिकन कबाब लेके आ रही है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप मुझे एक बड़े मछली का टुकड़ा दिए थे ना, इसीलिए लूसी मुझे मार रहा है। छी, लूसी? हाँ, मतलब वो क्या है ना, दोबारा अगर ऐसे तुम लोग किए ना तो मार मार कर तुम लोग का पिट लाल कर दूंगी। और सुनो, मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, घर का अच्छी तरह ख्याल रखना तुम दोनों, ठीक है? ठीक है। हेलो 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 टॉम। हाँ टॉम, जल्दी आ जा मेरे पास। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग लूसी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आओ आओ आओ, तुम सब अंदर आओ, मालकिन आज घर पे नहीं है, सब हम लोग मिलते हैं थोड़ा पार्टी करते हैं। आओ 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 आओ। तुम्हें मार मार का तुम्हारा कचुमा ने। तुम्हारा पार्टी शार्टी कैसा हुआ लूसी? पचने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा।